क्या शानदार प्लेरूम है। और ये खिलौनों के डब्बे को देखो। ओह, मुझे बबल रैप पॉप करना बहुत पसंद है। कितना डल प्लेरूम है। ओह, इस बॉक्स में क्या है? पॉपेट्स? बोरिंग। आज मजा करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बबल रैप से खेलना चाहोगी? नहीं शुक्रिया, इस बॉक्स में कुछ होगा। तैयार हो? Hey, ये तो वही पॉपिट्स है ना? हमें बस यही मिला है। क्या? ट्राई करो। बबल्स पॉप नहीं हो रहे। ओह, इसे जानने की कोशिश करते हैं। इधर कुछ तो होगा। थोड़ी इधर डाल दोगी? अगर मेरी मेजरमेंट्स ठीक हैं, तो ये पॉप जरूर करेगा। फ्लैशलाइट, इससे चीजें साफ होंगी। लगता है यहाँ कुछ ब्लॉकेज हुई है। मैट, हाँ, इसमें कैंडी थी? कितना बढ़िया सरप्राइज है। तो इसे खाना शुरू करें। अपने मनपसंद रंग से शुरू करो। जी हाँ, अब ट्रीट के बारे। हे, तुम्हें सोडा चाहिए? ओह वाह, शुक्रिया। ये बहुत अच्छा है। ये अच्छा हुआ कि तुम ये ले आए। ओह नहीं, ये कैसा मजाक है। बढ़िया, अब मैं कैसे पीऊंगी? अब मैं बस इसे देख ही सकती हूँ। रुको, शायद ये काम आ जाए। चलो सिजर्स। अरे नहीं, ये काम नहीं किया। अब दोबारा देखते ही रहो। हाँ, एक नया आइडिया, हेड ट्रिमर। हाँ नहीं, उसे ट्राई नहीं करना चाहिए था। शायद मैं उसे कभी नहीं पी पाऊंगी। हे, क्या हुआ है? ओह अच्छा, लाओ इधर दो, मैं ठीक करता हूँ। तुम्हें बस एक मेटल स्ट्रॉ चाहिए। इसे यहाँ रब करो। सच में, ये कैसे इसे खोल देगा? वाला, देखा, ये एकदम खुल गया। शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया। चीयर्स। मैं ये पूरा दिन पॉप कर सकता हूँ। हे, कैसे हो? ओह, तुम्हारे पास चॉकलेट है, थोड़ा लेन देन हो जाए। नहीं, स्केटल्स। अरे नहीं, ये सारे गिर गए। हाँ, और कुछ मेरे पुश पॉप में भी है। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? चलो शुरू करें। हर स्पॉट में एक स्केटल। अब हम इसमें पिघले हुए चॉकलेट डालेंगे जो पूरी रोज में आ जाएगी, एकदम कोने से कोने तक। अब हम इसे फ्रीजर में रख देंगे। अब ये निकालने के लिए तैयार है। देखो, हमने चॉकलेट और कैंडीज मिक्स कर दी। देखा, तुम ही ले सकती हो। शुक्रिया। ये सच में अच्छी है। हम बहुत स्मार्ट हैं। तुम्हारे हाथों में क्या है? ये कुछ नहीं है, सच में एक पॉपेट। नहीं, देखो, लो मुझे दो। ये गलत बात है, तुम्हें क्लास में जाना चाहिए। अब जाओ। हाय मिस। ओह हाय, उम्मीद है तुम्हारे पास कोई बेतुका पॉपेट नहीं होगा। मेरे पास बस नोटबुक है। मुझे नोटबुक अजीब लग रही है, इसे खोलो। ठीक है, देखो, इसमें बस कुछ बोरिंग इक्वेशंस हैं। बहुत अच्छे। ठीक है, पर इक्वेशंस बोरिंग नहीं होती, याद रखना। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। हाँ, तुम इतने खुश क्यों हो? ये मैथ क्लास है, क्योंकि मेरे पास ये है, देखो, एक नोटबुक। ध्यान से देखो, इसे खोलो और ये पॉपिट है। कूल है ना?
बहुत कूल है, पर मुझे भी एक चाहिए। तुमने ये कैसे किया? पर ये सीक्रेट है। पहले एक कार्ड ले, अब पॉपिट को कार्ड पर रखें और इसके आसपास ड्रॉ करें। एक सर्कल काट लें और ये काम प्लेन पेपर पर भी ऐसा ही करें। पेपर को कार्ड पर रखें और फिर पॉपिट और ऊपर एक और पेपर, आखिर में इन्हें साथ में जोड़ दें और आपको मिल गई ये नोटबुक और थोड़ी मस्ती। टीचर को कभी पता नहीं चलेगा। लो खेलो, मैं ले सकती हूँ। थैंक्स। मैथ क्लास से तो ये बहुत बेहतर है, काफी बेहतर। अरे प्रॉम का समय आ चुका है, मैं बहुत नर्वस हूँ। ठीक है, बस आउटफिट को थोड़े फिनिशिंग टचेस देने हैं। मैं बिल्कुल फ्रूट बॉल जैसे लग रही हूँ, ये नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा है मैंने अपनी दादी के कर्टेंस पहन लिए हैं। नहीं, प्रॉम तो खराब हो गया, मुझे इयररिंग्स नहीं मिलेंगे, मैं क्या करूँ? फ्लफी, देखो तुमने मेरे पॉपिट का क्या हाल कर दिया, ये खराब हो गया। ओह रुको, शायद ये काम आए। इस पॉपिट को काटेंगे, इसमें एक वायर लगाएंगे। दूसरे पीस के साथ भी ऐसा ही करना है। पॉपिट इयररिंग्स शानदार लग रही है, अब तो मैं प्रॉम क्वीन हूँ। काश मैं तुम्हें अपनी प्रॉम पर डेट बना कर ले जाती, पर पहले तुम्हारी ब्रेथ अच्छी करनी होगी। यक। हाँ, अब अच्छा दिखने की बारी है, बस हो ही गया। और हाँ, मैंने एक ओरिगामी फॉक्स बनाया, मुझे फॉक्सेस पसंद है और मुझे पेपर फोल्ड करना भी पसंद है। ये तो काम ही नहीं कर रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये बहुत मुश्किल है। अरे वाह, देखो उसने क्या बनाया, कितने प्यारे हैं। और मेरे पास तो कचरा है, मुझे अपने वालों को तो देखने का भी मन नहीं कर रहा। बहुत हुआ पेपर फोल्ड करना, अपने पॉपिट्स इकट्ठे करते हैं। और ये आखिरी, हाँ मैंने घर दिखाया। वो तुम्हारे पास कितने पॉपिट्स हैं? हे भगवान, पॉपिट प्रेस करना कितना मजेदार है। मैं शायद पेपर के साथ कुछ बना सकती हूँ, मेरे पास कैंची है तो क्यों ना ट्राई किया जाए। एक पेपर से चार बना लेंगे और फोल्ड करना शुरू करते हैं। मैं इसे शुरू करूंगी एकदम कोने से कोना। अब इसे दूसरी तरफ भी करेंगे, फोल्ड्स एकदम साफ होने चाहिए। हाँ, अब हम इसे दोबारा खोलेंगे। अब अगला फोल्ड थोड़ा सा ट्रिकी है, पर क्रीज़ की वजह से पेपर आराम से ऐसे बन जाएगा। अब और कोने से कोना मिलाएंगे। फोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर ये अच्छी बात है। अब ये टिप बीच में आएगी, दोनों साइड से दोनों कोनों पर। अब हम इसे दूसरी तरफ खोलेंगे और बंद करेंगे। अब टिप दोबारा वापस बीच में आएगी। अब हम इस चेक से इन कॉर्नर्स को खोलेंगे, ये रही एक और ये दूसरी। बढ़िया, अच्छे से हो गया। अब ये वाली साइड अंदर को फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड के साथ भी ऐसा ही करें। बढ़िया, इसके ऊपर ये फोल्ड कर लगाएंगे और बस ये हो ही गया। अब इसे खोलते हैं, ये एक छोटे बॉक्स जैसा है। अब हम ऐसे ही बहुत सारे बनाएंगे। टाटा, ये तो रंगों का रेनबो बन गया। देखो मैंने पेपर से क्या बनाया, देखा, ये तो छोटे स्क्विशी बॉक्सेस जैसे है, एक पेपर पॉपिट। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे पेपर फोल्ड करना नहीं पसंद। ओह,